कन्नौज बिजली विभाग की लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री की हर घर को रोशनी की योजना नहीं हो पा रही। क्रियान्वित गांव में मीटर लगे होने के बावजूद नहीं मिल पा रही लाइट। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सौरिक विकास खंड की डंडेयोना ग्राम पंचायत की मजरा चद्रौआ में बिजली के पोल खड़े हैं। ग्रामीणों के घरों में मीटर लगे होने के बावजूद पूरे गांव में बिजली नहीं चल रही है। चद्रौआ निवासी रामानंद गुप्ता ने बताया कि हमारे गांव में बिजली न होने से पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कई बच्चे बीमार पड़ गए, जिनका इलाज सैकड़े में चल रहा है। कई नेताओं व जनप्रतिनिधियों से फरियाद की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने अधिकारियों से भी फरियाद की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चढ़ुआ से आई रामचांद की पत्नी राम अवतार शर्मा के बताया कि हम लोगों के बिजली का कनेक्शन हो गया, घर में मीटर भी लग गया है लेकिन बिजली अभी तक नहीं मिली। नोडल प्रभारी छिबरामू वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने कार्यदायी संस्था को भी अवगत कर दिया है और हम जेई सुनील कुमार के साथ पहुँच रहे हैं। आप लोगों की जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। विद्युत अधिशासी अभियंता सद्दाम खान ने आए हुए ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का निदान किया जाएगा और हमारी विद्युत विभाग की टीम गांव में पहुंच रही है। रेख देवी, मालती देवी, पूनम, गीता, राकेश, राजेश, राम किशोर सहित कई लोग उपस्थित रहे। कन्नौज से देखिए जिला ब्यूरो श्याम प्रजापति की खास रिपोर्ट। और रहने वाले हैं और नाम रेखा देवी चढ़ पति को नाम श्याम लाल और दुकान 3 साल हो गए लट्ठा गड़े कनेक्शन हो गया घर घर और बत्ती नहीं पहुँच रही। बाल बच्चा सब मरे जा रही है इतनी पोजीशन है और बत्ती क्यों नहीं पहुँचती है। इससे पहले आपने किसी अधिकारी से अपनी शिकायत की है? अधिकारी तो कुल शिकायतें पहुंच रही है। प्रधानमंत्री का सपना है घर घर बिजली, इस पे क्या कहेंगी आप? मैं तो कह रही किसी के किसके घर में बत्ती है बताइए, किसके घर में बत्ती नहीं है। तो आप यहाँ किस लिए आई हैं? इसीलिए आए हैं कि कहना जनता को आपको कनेक्शन करे हुए हैं फिर बत्ती क्यों नहीं पहुंच रही है। इसलिए आपसे आपके से निवेदन है सब लोगों से कि यहाँ तक आई मैं। बत्ती चाहिए, बत्ती चाहिए।